we have discussed some topics some important portion of the book in our previous video and in this video we will talk about the rest of the topic but before starting the topic i am going to give you some questions and you will have to answer them and these are the questions question number first what kind of energy transformation takes place during photosynthesis question number 2 what is the mode of nutrition in green plants? Question number 3, name the pigment present in the green leaves which takes part in the photosynthesis. Question number 4, write the mode of nutrition in humans and animals. Question number 5, which light is more effective in photosynthesis? And the last one is from where does carbon dioxide enters a leaf? I know these questions are too easy to answer for you. So let's jump to the next topic which is other modes of nutrition in plants. We have already learned that green plants can make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. So green plants are autotrophs. We all are familiar with the word chlorophyll and just because of chlorophyll plant can prepare their own food. But what about those plants which do not have chlorophyll in them? do they prepare their food by their own or they depend on others for their food so for the answer let's see how non-green plants prepare their food those plants which do not contain chlorophyll non-green plants depend on other living organisms for their food thus the plants which do not contain chlorophyll are heterotrophs and their mode of nutrition is heterotrophic and this type of nutrition can be categorized into

और वो ऑर्गेनिजम्स जो इस न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप कहते हैं सैप्रोट्रॉप सीक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम अ सॉल्यूशन देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एज फंगी मशरूम एंड सम बैक्टीरियाज आर सैप्रोफिटिक बिकॉज दे डिराइव देयर फूड From the dead and decaying organic matters. Now, come to the next point, which is parasitic mode of nutrition. In parasitic mode of nutrition, plants depends on plants or other animals for their nourishment. It means that parasitic mode of nutrition, plants, those plants, or animals depend food, and such dependent plants are called. पारासाइट्स और वो प्लांट या एनिमल जिस पर पैरासिटिक प्लांट डिपेंड होते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं द पैरासिटिक प्लांट्स में भी टोटल पैरासाइट्स और पार्शल पैरासाइट्स वैसे पैरासिटिक प्लांट्स जो अपना फूड ऑप्टेन करने के लिए कंप्लीटली डिपेंड होते हैं होस्ट पर उन्हें हम टोटली totally पैरसिटिक प्लांट्स कहते हैं कस्कोटा, एपोडेंथस एंड रफ्लेशिया आर द एग्जाम्पल ऑफ टोटली पैरसिटिक प्लांट्स नाउ द क्वेश्चन दैट हाउ दीज प्लाट्स गेट देअर फूड कस्क्यूटा में क्लोरोफिल नहीं होता है वह नॉन ग्रीन प्लांट है इसका मतलब ये कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं देस एक् फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू देयर एडवेंटिशियस रूट कॉल्ड हॉस्टोरिया इट मीन्स कस्क्यूटा इज टोटली पैरासट वैसे पैरासिटिक प्लांट्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन फूड का कुछ हिस्सा जैसे वाटर या मिनरल को डराइव करने के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट हैं उन्हें हम पार्शल पैरासिटिक प्लांट कहते हैं मिस्टेल्टो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शल पैरासाइट नाउ इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजेस फूड इज कॉल्ड इंसेक्टीवॉरस न्यूट्रिशन वैसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से तो प्रिपेयर कर लेते हैं बट ऑफ दे डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजनस फूड उन्हें हम इंसेक्टिवॉरस प्लांट्स कहते हैं नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन प्लांट्स लुक इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट प्लांट में एक क्लोज एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों प्लांट एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं और इससे दोनों ही प्लांट को इक्वली बेनिफिट होता है और इसी प्रोसेस को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ एन एग्जाम्पल इमेज शोज लीचन लीचन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गा लिविंग टुगेदर लीचन क्या होता है एल्गा और फंगस एल्गा जो कि ऑटोट्रॉफ है और फंगस सेप्रोफाइट है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशल नीड्स के लिए यहाँ पर फंगस और एल्गा एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं फंगस एल्गा को वाटर और मिनरल सप्लाई करता है और एल्गा ग्रीन है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ है इसलिए ऑटोड्राफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद का खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो फंगस को ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करता है

प्लांट्स या क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू ग्रो किया जाए तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और अगर सॉइल में इन मिनरल न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देगा और क्रॉप भी फॉल हो जाएगा देर फोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट रेपलिश दीज न्यूट्रेंट्स इन द सॉयल जैसा कि हम जानते हैं कि एटमोसफेयर में नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट प्रेजेंट है लेकिन जिस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा ताकि प्लांट्स उसे यूज कर सकें तो सॉइल में नाइट्रोजन के लॉस को मेकअप करने के लिए उसे फिर से फुलफिल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे दिस इज डन बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विच इज़ बाई यूजिंग मैन्योर बाई यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड बाई क्रॉप रोटेशन मेथड फार्मर्स अक्सर फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं ताकि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी फिर से फुलफ़िल हो सके मैन्योर मतलब नेचुरल खाद और फर्टिलाइजर्स मैनमेड खाद होते हैं जिसकी हेल्प से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी फिर से रिप्लैनिश हो जाती है नाउ बाई क्रॉप रोटेशन मेथड द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग अ सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू लेग्यूमिनस क्रॉप एज़ आई टोल्ड यू अर्लीयर इफ़ क्रॉप्स एंड प्लान्टर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर दॉयल विल बिकम पुअर इन सच न्यूट्रेशन सो टू फुलफिल दीज न्यूट्रेंट्स इन द सॉइल फार्मर्स यूज क्रॉप रोटेशन मेथड मतलब फार्मर्स सीरियल क्रॉप को और लेग्योमिनस क्रॉप को अल्टरनेटली ग्रो करते हैं लेग्युमिनस क्रॉप मीन्स दाल ग्राम पीस मूंग बीन्स कुछ भी ये सारे लेग्युमिनस क्रॉप हैं अब ये सॉइल को किस तरह से हेल्प करते हैं Crops के रूट में नॉड्यूल्स होते हैं जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरियाज में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉलिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है विच इज एक्चुअली नाइट्रेट जिससे सॉइल में नाइट्रोजन की फुलफिलनेस दोबारा से हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है इस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और बदले में प्लांट्स उसे शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है और हमारा ये चैप्टर इस लास्ट टॉपिक के साथ ख़त्म होता है